किसान मित्रों, क्या आपको पता है कि सरकार रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दे रही है और किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की थी। इसमें पंजीकृत किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। किसान मित्रों, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2015-16 से नई परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना क्लस्टर आधारित है। इसके माध्यम से सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यह योजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक घटक है। यह जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई पहली व्यापक योजना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। कृषि में बढ़ते हुए रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित करना भी इस योजना का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है। किसान मित्रों, नई परंपरागत कृषि विकास योजना को अमल में लाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। इसके तहत 50 एकड़ क्षेत्र का एक क्लस्टर तैयार किया जाता है। एक क्लस्टर में 50 या उससे अधिक किसानों को शामिल किया जाता है। सरकार ने योजना की शुरुआत के साथ 3 वर्षों के दौरान जैविक खेती के तहत 1000 क्लस्टर बनाने का लक्ष्य रखा था। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्षेत्रीय परिषद के रूप में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से इस योजना के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा आप अपने राज्य या जिले के कृषि विभाग में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना के तहत हर किसान को 3 वर्षों तक प्रति एकड़ कुछ हजार रुपए देने का प्रावधान है। इन पैसों का उपयोग किसान फसलों की पैदावार के लिए जरूरी सामान खरीदने, बीज खरीदने और उपज को बाजार में पहुंचाने के लिए करेंगे। किसान मित्रों, जहां तक इस योजना से किसानों को होने वाले फायदे का सवाल है, तो इससे प्रामाणिक जैविक खेती के माध्यम से जैविक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उपज कीटनाशक मुक्त होंगे, जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान करेंगे। इस योजना के जरिए सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी करना चाहती है और व्यापारियों के लिए एक संभावित बाजार भी तैयार करना चाहती है। इस योजना से सरकार किसानों को प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही साथ किसानों के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाना भी इस योजना का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।